दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिस्कवरी लेवल अप में। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक ऐसे महल से जो कि अपने आप में अजूबा है। हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतरी शहर में, जहां भोपालगढ़ का किला है और यह खेतरी महल के नाम से भी जाना जाता है। खेतरी महल का निर्माण राजा भोपाल सिंह द्वारा लगभग 1770 में किया गया था। भोपाल सिंह शार्दुल सिंह का पोता था। यह झुंझुनू की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत वास्तुकला में से एक है। यह झुंझुनू के हवा महल के रूप में भी जाना जाता है। इस महल की सिक्योरिटी के लिए दो गेट बनाए गए हैं, जिसमें से अभी हम इस महल के पहले एंट्री गेट पर हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वे शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपनी मशहूर स्पीच देने के बाद लौटकर भारत में सबसे पहले इसी महल में आए थे। और ऐसे ही हम सेकेंड गेट पर पहुँच चुके हैं, जिसके अंदर का व्यू कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। यह अरावली की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। वर्तमान में खेतरी की राष्ट्रीय पहचान तांबे की खान के कारण है। जहां तक हम देख पा रहे हैं, यह पूरा एरिया भोपालगढ़ का किला कहलाता है, जो कि एक बाउंड्री से घिरा हुआ है। और आसमान से देखने पर इसकी बाउंड्री भारत के मैप जैसी नजर आती है, जो कि इस किले को बहुत ही अलग बनाती है। इसके उत्तरी दिशा में रानी का मोती महल, पूर्वी दिशा में राजा का शीश महल, पश्चिमी दिशा में गेस्ट हाउस है और सभी महलों के सेंटर में पर जाके घर हैं। इस किले की दीवारों की चौड़ाई इतनी है कि राजा और घुड़सवार पूरे किले का भ्रमण कर सकते थे। यहीं से राजा के महल का व्यू कुछ ऐसा नज़र आता है। तो चलिए सबसे पहले हम राजा के शीश महल को विजिट करते हैं। यह राजा के शीश महल का एंट्री गेट है, जहाँ पर काफ़ी समय बीतने की वजह से जंगल जैसा व्यू नज़र आ रहा है। यह शीश महल का हॉल आप देख पा रहे हैं, जो मेहराब और स्तंभों की एक अच्छी तरह से डिजाइन श्रृंखला के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, इन स्तंभों पर बहुत ही यूनिक और क्लियर डिजाइन किया गया है। और यह हॉल के साथ में कुछ छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, जिनकी छतों पर बना हुआ डिजाइन आज भी बरकरार है। और इन्हीं के साथ एक स्पेशल कमरा बनाया गया है, यह रानी का कमरा बताया जाता है। इसमें काफी कलाकृतियां की गई है। ये जो आपको ऊपर पेंटिंग नजर आ रही है, ये इस रूम को अलग दर्शाती है। रानी के रूम के अंदर एक टॉयलेट बनाया गया है, जो आइडिया आज के टाइम पर भी हम यूज करते आ रहे हैं। तो चलिए, ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम सीधा राजा के रूम की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम राजा के कमरे में आए, तो हम देख रहे हैं कि इस रूम की सभी दीवारें और छतें कलाकृतियों से भरी हुई हैं। राजा के रूम में ऊपर की तरफ छोटे छोटे शीशे लगाए गए हैं, जिन पर रोशनी पड़ने पर पूरा महल जगमगा उठता था। यह पूरा कमरा ऐसे ही सुंदर और नायाब पिलरों से जुड़ा हुआ है। यह जितने भी आपको सुंदर पेंटिंग नजर आ रही हैं, यह सब नेचुरल कलर से बनाई गई हैं। और इन्हीं अद्भुत कलाकृतियों से हमें पता चलता है कि राजा बहुत कला प्रेमी था। इस कमरे के एक कोने में पूरे महल का मैप प्राकृतिक रंगों से ही बनाया गया है। कमरे में कुछ ऐसे चित्र भी दिखाई दिए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि राजा खेल कूद को भी बढ़ावा देता था। खेतरी महल की एक अद्भुत खोज यह बताई जाती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के दरवाजे या खिड़कियाँ नहीं हैं, जो इस महल को अन्य महलों से अलग बनाती है। इसीलिए इसे हवा महल के रूप में जाना जाता है। इसी महल की अनोखी संरचना से प्रेरित होकर जयपुर के राजा स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में एक ऐतिहासिक महल की संरचना की, जो कि जयपुर में हवा महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज हमने राजा के महल के बारे में आपको जानकारी दी है, और अगली वीडियो में, जो कि पार्ट 2 है, उसमें आपको रानी के महल के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।